स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मैं ना कनाडा जाना चाहती हूँ। कनाडा? बड़ी अच्छी चॉइस है आप। चलिए मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन के लिए हमें कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जैसे पेपर वर्क वगैरह। तो ये सब करने की तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। लेकिन इमिग्रेशन वीजा के लिए और कई छोटे मोटी चीजों के लिए आपको पैसे लगेंगे, जिसका आपको फौरन इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप पैसे का इंतजाम कीजिए और आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चंगा, कितने पैसे लगेंगे? बस ये 3 लाख रुपए के करीब। 3 लाख? शुक्रिया दलवीर, शुक्रिया जप्पी। चाची जी, सारा काम हो गया, मैं और जप्पी चलते हैं। शुक्रिया पुत्र। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल पिताजी। सत श्रीकाल। रब दा लख लख शुक्र है, इस बार फसल बहुत चंगी होगी है। देखना मंडी में भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। वही मैं शहर जा रहा था तो सोचा कि इसे भी साथ ले चलूं। हाँ हाँ, ले जाना। ओ, मैं तो कहती हूँ रणवी, तू भी साथ चले जा। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग दोनों घर से बाहर निकले ही नहीं हो। जा, तू भी जा इसके साथ। बीजी, मैं कैसे? मैंने तो थोड़े नाल मंडी जाना ना फसल वास्ते, और वैसे भी मैं तो अकेला थोड़ी छड़ सकता। हाँ, वो वीर जी है ना मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी। ओहो वीर जी, आप भी ना समझते ही नहीं है। आपको गुंजन भाभी के साथ जाना चाहिए, उनका भी मन है कि आप उनके साथ चले, पर वो बेचारी शर्म के मारे तो कुछ बोलेंगी ही नहीं। पर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि मैं ननद होने के नाते अपनी भाभी की खुशियों का ख्याल रखूं, है ना? आप ना प्लीज उनके साथ जाइए। और वीर जी, बात रही मंडी में जाने की ना, मंडी में वीजी के साथ मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन वीरा, तुम भी मैनू मंडी का काम संभालना भी आता है। तू जब छोटा था तो मैं ही संभालती थी सारे काम, तू जा इसके साथ। हाँ बीजी। हाँ, और फिर अब की बार तो मैं भी हूँ, तो फिक्र ना, है ना? ठीक है बीजी, लेकिन कोई भी दिक्कत आए ना तो मैंने फोन करी। हाँ जी। हेलो, आई ना बात है। चल भाई, छत्ती निकलते हैं। ऐसे चाहे तो तू भी साथ चल सकती है। नहीं, वो चाची जी अकेली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आहा, चाची नहीं तो वो आपकी बीजी की जगह पर है ना, तो बीजी कहिए। हाँ बीजी। आयो मेरे रब्बा, कितना मीठा मीठा लगा आपके मुंह से मेरी बीजी को अपनी बीजी बोलना, मेरा तो दिल ही खुश हो गया सच्ची। खैर, आप लोग चलिए, मैं बीजी के साथ यहीं रुकूंगी। ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलो रणवी, चलते हैं। देख लेना, अगर गुंजन को कुछ खरीदना होगा तो। ठीक है जी। ओए रणवी,
मैं कह रहा हूँ वो इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, वो वीरा को बहुत पसंद आएगा, और वैसे भी और उसको वो तस्वीर खींचने का बहुत शौक है ना। ओ भाई वो कितने का है? 18,500 18,500 और ए वाला नहीं है हा? ये तो सादा है, इस पर कुछ इतना खास नहीं है, सीसीटीवी कैमरा ठीक ठाक है। रणवीर तू आया क्यों ले रहा है? सस्ते महंगे की बात नहीं बलदेव, वीरा ज्यादातर मोबाइल फोन करने के लिए इस्तेमाल करती है, फोटो खींचने वास्ते तो उसके पास अपना कैमरा आएगा, हमें कोई आमदम वाला फोन नहीं चाहिए, कोई बढ़िया खूबसूरत सा टिकाऊ तो मेरी विराकड़ी के हाथ में सुंदर लगे ऐसा फोन। अब मैनू ना प्यास लगी है, मैं बाहर कोल्ड ड्रिंक पीकर आई। हाँ ठीक है जा, हुजूर क्या दूर ना जाना, कोई कोई और दिखाओ जी, वो ऐसा ही दिखाओ। अरे वाला हेलो, सत श्री अकाल गुंजन जी। जी सत श्री अकाल, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। गुंजन जी आपने जो गहने जमा कराए थे उसकी जांच पड़ताल हो गई है, उन गहनों का मूल्य तकरीबन 75,000 रुपए है, लिहाजा बैंक आपको 75,000 रुपए तक का कर्ज दे सकती है। जी शुक्रिया मैनेजर साहब, तो मैं आपको सोच के मेरा मतलब है कि मैं घर पे बात करके आपको बताती हूँ कि आगे की करना है। ओके लगता है तुसी शहर दे नहीं हो, वैसे तुम कहां से आई हो? जी प्रीतमपुरा। अभी अभी शादी हुई है कि? वैसे तुम्हारी और उन लड़कियों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लगता, उन लड़कियों की तो बात ही अलग है, कुंवारी है जहाँ चाहे जाए जिसके साथ चाहे जाए, पर वैसे शादीशुदा लड़कियों की तो 1000 बंदिशें हैं, पर शादीशुदा के लिए हजारों फायदे भी हैं। अरे दो बारी मुंह बनाओ, पति आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए तैयार है ना? लेकिन मैं शायद दुनिया की सबसे बुरी किस्मत वाली लड़की हूँ, शादी हुई भी तो कैसे गवार लड़के से जिसे एक ढंग का फोन तक लेना नहीं आता, जैसी औकात वैसी पसंद। लेकिन मैं क्यों अपने आप को बंदिशों में बांधू? क्या मेरे सपनों का कोई मोल नहीं है? मैंने भी अपने सपने पूरे करने, लेकिन उस प्रीतमपुरा में रहकर ना मेरे कोई सपने पूरे नहीं होने वाले। मैंने जल्द से पिंड को छोड़ना होगा और ऐसी जगह जाना होगा जहां मेरे सपनों को उनकी असली उड़ान मिले। बचपन से देखा सपना तनु हकीकत में बदलना होगा गुंजन। ले लो जी ले लो। बढ़िया ना?
यह जगह मैंने अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, आइए। बैठिए, प्लीज। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मैंने ना विदेश जाना है। तुम तो बहुत सही जगह पे आ पाई। तो क्या आपने ये सोचा है कि कौन से देश जाएंगे? मैं ना कनाडा जाना चाहती हूँ। कनाडा? बड़ी अच्छी चॉइस है आप। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन के लिए हमें कई सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जैसे पेपर वर्क वगैरह। तो ये सब करने की तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन इमिग्रेशन वीजा के लिए और कई छोटी मोटी चीजों के लिए आपको पैसे लगेंगे, जिसका आपको फौरन इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप पैसे का इंतजाम कीजिए और आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चंगा, कितने पैसे लगेंगे? बस यही 3 लाख रुपए के करीब। 3 लाख? उससे कम में नहीं चलेगा? 75,000 रुपए? देखिए, ये बाजार नहीं है जहाँ भाव को ऊपर नीचे किया जा सके। विदेश जाने के लिए पैसे तो लगेंगे, और वैसे भी हमारे चार्जेस दूसरे एजेंसी से बहुत कम है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, आप पैसे का इंतजाम कीजिए और मुझे फोन कीजिए। उसके बाद मैं इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज करना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद। गुंजन, 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 कितने चली गई थी तू? हम लोग इतनी देर से तेरे को ढूंढ रहे थे। तू ठीक तो है ना? मुझे क्यों होना है, पूरी दुनिया थोड़ी ना मेरी दुश्मन है। बलदेव, तो धन्यवाद। कितने रह गई थी तू? हैं? तुम कितने परेशान हो रहे थे? तेरे को फोन क्यों हो गया? और लग ही नहीं रहा। वो वीर जी, मैं ना कपड़े की दुकान पर गई थी, वो वहाँ कपड़े देख रही थी, और फोन में ना नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से ना फोन ही लगा होगा। और तेनू कहा था ना मैंने कि ज्यादा दूर मत जाना, हैं? बता के नहीं जा सकती थी? हम बेकार में परेशान हो रहे थे। कुछ कुछ खरीदा वहां से, कपड़े लिए। अब रणवीर, मेरा भी काम निपट गया है, वापस पिंड चलते हैं, हैं? चलो गड्डी उधर है, आयो। फसल तो चंगी है आपकी, मैं पूरी फसल लूंगा 900 के दाम। ऐकी कह रहे हैं ताया जी, आप तो बहुत कम दाम है। आप जानते हैं हमारे देश में गेहूं की सबसे ज्यादा मांग है, फिर 900 तो बहुत कम है। आप जानते हैं सारी मंडियों में 1200 से लेके 1300 तक के दाम चल रहे हैं। और ये देखिए हमारी फसल तो कितनी चंगी है, सोने जैसी चमक है, और आप इनके दाम 900 लगा रहे हैं। नहीं नहीं जी, इसका तो 1300 ही बनता है। देखिए ताया जी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम जानते हैं कि 1300 के ही दाम में ना मंडी में कोई और जरूर खरीद लेगा। तो फिर अगर आपको 1300 का दाम मंजूर है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। चलिए बीजी। और ठहर जा कुड़िये, की कर रही है, कुछ बोलने का मौका भी देगी? ठीक है, 1300 में बात पक्की करता हूँ।
चंगा जी। आधी रकम मैं भी देता हूँ और आधी रकम डिलीवरी के बाद, ठीक है? ठीक है। मनिंदर जल्दी आ भाई, खेती कर। पूरे 4 लाख है ना जी? लीजिए पूरे 4 लाख। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। इतने सालों में शायद पहली बार बयाने की इतनी मोटी रकम मेरे हाथों में आई है। मैंने तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। रब दा रख लग शुक्र है। चाय जी और रणवीर सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। हाँ। पर तूने ये फसल का सही दाम कहाँ से निकाला? तो बीजी से, इंटरनेट से। इंटरनेट से ना आजकल सारी जानकारी सही सही पता चल जाती है। अच्छा अच्छा की। अच्छा सुन, मैंने वो खाद खरीदने के वास्ते बाजार जाना है। तू एक काम कर, तू ये पैसे लेकर घर चली जा और मेरी अलमारी में रख दे। खाद खरीदने के वास्ते चली जाऊंगी तो आते आते देर हो जाएगी ना। इतनी देर तक इतने पैसे लेकर घूमना अच्छा नहीं होगा। चलती। अच्छा सुन, वो पैसे संभाल कर लेकर जाना। हाँ बीजी, पहली बार आपने मैनू इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसमें तो मैं भूल कर ही नहीं सकती। चलती हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।